अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा खान। सबसे पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें एंड शेयर भी कर दें। और यहाँ जो है ना बारात के लिए हम लोग निकल चुके थे, सुपर हाईवे पे थे और बारात जो है 12 बजे की थी, सॉरी दोपहर की। तो वो लोग जो है लेकिन निकल चुके थे, फिर हम लोगों ने जो है ना उनको बीच में से ज्वाइन कर लिया था। तो ये आगे वाली जो गाड़ी है ना वो दूल्हे की है, क्योंकि सुबह जो है ना मुझे देर हो गई थी, मैं उठ नहीं पाई थी, 9 बजे निकलना था और आँख मेरी खुली 10 बजे। फिर मैं एकदम अचानक जो है मेरी आँख जल्दी से आँख खुली, फटाफट मैं अपने हस्बैंड को जो है ना उठाया और जो है बस कपड़े ही चेंज करे थे और जाके जो है ना गाड़ी में बैठ गई। बीच में जो है ना बस गाड़ी में ही मेकअप कर लिया था, टचअप कर लिया था। और यहाँ जो है दूल्हा अपने दुल्हन के साथ बैठा हुआ है, खाना स्टार्ट हो चुका है। खाना बहुत अच्छा था। अच्छा, कराची में ना यही वाली बिरयानी बनती है और हैदराबाद में जो है ना वो पुलाव बिरयानी होती है। तो रुखसत होके जो है वो दुल्हन आ चुकी थी घर में। और यहाँ जो है ना दुल्हन ने अच्छी सी प्यारी सी जो है ना मेहंदी लगाई हुई है, सादी सी है लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। दूसरे हाथ दो यानी कि अंदर वाले हाथों में नहीं लगाई थी, तो वो भी बहुत उसकी प्यारी लग रही थी, बिल्कुल सादी सी यूनिक सी। ये है बेडरूम, वाइट बिल्कुल था, अच्छा लग रहा था, सिंपल सा था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो यहाँ पे जो है ना रूम में वो आके बैठ गई थी। शरारा भी बहुत अच्छा था, ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई थी। तो यहाँ से बारात से होने के बाद हम लोग जा रहे थे अपनी जगह जहाँ हमें रुकना था। फिर शाम में हम लोगों ने रात में 7-8 बजे हम लोगों ने ये खाना खाया था और रात में फिर दोबारा जो है ना आउटिंग के लिए निकल चुके थे। तो यहाँ मैं थोड़ी सी उदास हो रही थी। 13 फैब थी, 13 फैब की वीडियो है और 13 फैब को जो है ना मेरी अम्मी की डेथ हुई थी। तो ये दिन मेरे लिए बहुत तकलीफदा था। जिस वक्त ये दिन मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उस टाइम जो है ना मैं अपनी अम्मी को जाता हुआ अपनी आँखों से देख रही थी और मैं रो नहीं सकती थी। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं तकलीफ़ में थी उस वक्त कि मैं बता नहीं सकती कि मैंने अपने ये वक्त कितनी मुश्किल से जो है ना मेरा कटा है। क्योंकि माँ माँ होती है, माँ जैसा प्यार जो है ना आपको दुनिया में कोई नहीं दे सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है ना फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा संभाला। वो मुझे वैसे ही प्यार करते हैं, लेकिन माँ जैसे नैमुल बदल नहीं होता, लेकिन मुझे वो प्यार माशाल्लाह से बहुत करते हैं। तो मुझे वो इतनी कमी नहीं महसूस होती अपनी अम्मी की। याद तो खैर वो बहुत आती हैं, याद नहीं कभी वो उनको भूलूंगी कभी भी नहीं। एक खला कभी भी जो है ना जो फिल नहीं होगा मेरा। तो ये रात बहुत तकलीफ़दा थी। 12 फैब को जो है ना उनकी तबीयत ख़राब थी, चल रहा था उनका वक्त वो निज़ा का। लेकिन 13 फैब की जो सुबह में उनकी डेथ हो गई, मुझे प्यार किया उन्होंने, गले लगाया, फिर उन्होंने अपनी आँख बंद कर ली। तो ये सब कुछ मुझे याद आ रहा था ना कि मैंने कितनी मुश्किल से वो वक्त वो रात काटी थी, कि उसके लिए मेरे पास कोई अल्फाज भी नहीं है। जिस यानी कि आप लोग अगर जिंदा भी हैं तो आप लोग ये वक्त इमेजिन करें अपने लिए, फिर आप लोगों को पता चलेगा मैंने क्या वक्त जो है ना मेरे पर तकलीफ़ से वक्त गुजरा है। तो 13 फैब को शादी भी थी और जो है मेरे पे ये दिन भी था। तो मैं बड़ी उदास थी, खुद ही मेरे आँख में आंसू आ रहे थे, क्योंकि माँ तो खैर माँ होती है, उनकी आवाज़ हर चीज़ अभी तक गूंजती है। अभी मैं एकदम देखती हूँ ना, याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस पता नहीं वो कहीं गई हुई हैं या आ जाएंगी। बहुत जो है ना वो तकलीफ़दा वक्त था, लेकिन अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जो है सलामत रखे, अच्छा रखे, माँ बाप का साया सबके जो है ना सर पर रहे, क्योंकि माँ बाप जो है ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इधर से हम लोग जो है ना हलवापुरी का जो है नाश्ता जो है ना करेंगे और वो सामने अभी इसको जो ऑर्डर दिया है ना वो देखे हलवापुरी बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, भी गाड़ी में खाऊंगी। मैंने बोले तो मैं नहीं तरूँगी, गर्मी लग रही है, गाड़ी में ही खा लूँगी। मामा गोटा तो लगा दें, गोटा लगेगा क्या लगेगा तुम्हें? गोटा नहीं लगेगा, दूध मिक्स हो रहा है। मिक्स हो रहा है ये देखे, देखे खुशी में अब्बा ने कस्टर्ड खुद ही बना रहे हैं। लवेशी इसमें कस्टर्ड मिक्स कर रहे हैं, देखें ये लवेशी के लिए। यहाँ पे जो है ना दोनों अब्बा बेटे मिलके जो है वो बना रहे थे लवेशी। तो यहाँ पे इसका मजाक बना रहे थे कि दूल्हे
दूल्हा जो है ना खुद अपनी मर्जी से देखो कैसे मीठा बना रहा है, इतनी खुशी हो रही है। यहाँ पे गए थे मार्केट, मार्केट्स में से मैंने कुछ जो है वो चीज़ें वगैरह ली, अपनी सास के लिए लिया थोड़ा बहुत जो सामान लेना था। मीठा बना रहे हैं, शाही टुकड़े। शाही टुकड़े नहीं है, ये कस्टर्ड है। ये गार्डन गार्डन होगा, लबे शीरे से लगा है। आप लोग लबे शीरे खाएंगे शाम में, ठंडा ठंडा मीठे मीठा, मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई। तो जी अब शुरू हो चुका है वलीमा, और वलीमे के लिए हम लोग निकल चुके थे। आगे ही जो है ना हॉल था, तो यहाँ देखें ये जो मस्जिद के पास जो हॉल बना हुआ है, तो इधर थी वलीमा। और इस वीडियो का आज हम नाम रख देंगे शलीमा, क्योंकि शादी और वलीमे की जो वीडियो जो व्लॉग है ना वो मैंने एक साथ बनाया, क्योंकि ज़्यादा मुझे नहीं टाइम मिल रहा था और इतनी थकान हो चुकी थी कि डायरेक्ट गए थे, नींद नहीं पूरी हुई हुई थी और सुबह लेट भी बहुत उठी थी। तो इस वजह से जो है ना मैंने क्या किया, दोनों व्लॉग को जो है ना एक ही व्लॉग में कर दिया। और यहाँ जो मेरी खाला है ना, सबसे छोटी खाला जो है जिनकी बेटी की शादी थी, वो मुझे पहना रही थी ये कंगन। तो मैंने कहा उसको खोले नहीं है, अब ये डायरेक्ट ही आ जाएगा मेरे हाथ में ऐसे। तो दोनों हाथ में उन्होंने मुझे पहना दिए थे, और मैंने जो है वो ये देंगे अभी भी जो है ना इस तोती को बोलना ज़रूर है बीच में। तो यहाँ फिर ये सैलड वगैरह रखी थी और रखा था खाना, खाना स्टार्ट हो गया था। खाना बहुत ज़बरदस्त था, बिरयानी थी, कढ़ाई थी, मीठे में लबी शीर थे जो आप लोगों के साथ दिखाया था मैंने। तो यहाँ फिर मैं वलीमा करने के बाद रात में मैं जो है ना वो हैदराबाद के लिए निकल चुकी थी। सॉल्ट लैम है और ये मेरी सिस्टर ने जो है मुझे गिफ्ट किया है। ये देखें ये है वो लैम जिसकी मैं अनबॉक्सिंग वगैरह कर रही थी। तो पूरा ये सॉल्ट से पूरा ये लाहौरी जो नमक होता है ना उसके अंदर देखें, उन्होंने सादा सा क्या किया हुआ है, एक बल्ब लगाया हुआ है और अंदर एक होल किया हुआ है। अब उस होल को जो है ना अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसको लकड़ी में रख दिया। लकड़ी में रखने के बाद इसको इस तरह से बिल्कुल ईजी है ये, तो आप समझे एक वो ले भी लेंगे ना बड़ा सा जो है ये नमक का, उसमें अब होल करवा लें तो ख़ुद भी बना लेंगे ईजीली। तो बहुत अच्छा, और ये रोशनी जो है ना बहुत अच्छी देता है। तो कभी जो है ना व्लॉग में इसके बेनिफिट्स भी जो है ना आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो है ना सॉल्ट लैम जो है ना ये मेरी बहन लाई थी, वो जहाँ से आप लोगों को पता है सॉल्ट वगैरह निकलता है वहाँ से लाई थी। तो मुझे उन्होंने गिफ्ट किया, तो मैंने जो है ना इसको व्लॉग में शेयर किया। तो मैं आप लोगों को जो है ना दिखाती हूँ, ये चलता भी है, ये देखें कितना प्यारा लग रहा है, क्यूट सा, इतनी नेचुरल इसकी जो है ना लाइट है, बहुत ज़बरदस्त लगता है ये। तो मैं लाइट बंद करके भी जो है ना आप लोगों को दिखाती हूँ, अंधेरा करके मैंने आपको दिखा दिया है कितनी अच्छी रोशनी करता है, इतनी नेचुरल, इतने आँखों को इतनी सुकून मिलता है इस लैम्प से। और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, तो मैं किसी जो है वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरी बहन ने ला के दिया मुझे गिफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आप लोगों के साथ जो है ना इसको अपने व्लॉग में शामिल कर लिया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें। और इससे ये होगा, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे तो इससे ये होगा कि मैं जो वीडियो डालूँगी वो आप तक आ सकेगी और आप लोग जल्दी से वॉच कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें। तो करते हैं अब व्लॉग का एंड। तो प्लीज़ आयशा खान को जो है सब्सक्राइब कर दें, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल आयशा खान। अल्लाह हाफिज़, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।